मैं भाई रुके यार सिटी मरी मत तुम अस्सलाम वालेकुम इसी से निकल के करा फोन पे तो बहुत अच्छी जो कैसा लग रहा है Ya İbrahim'le tanıdık artık. Konuşun siz. Ya huvak katıydı ise benim ama. Ye, lilse, çocuk, çocuk, vogara, sultan para. Sara usi konuşun siz kahe. Yahan pe logun ne bade muhabbet diye, muhabbet diya hai, piyar diya hai, şefkat diya hai. Or hem bhi koşuş kerte hai ki, pura muavza to nahi de sakte hai, lekin koşuş kerte hai ki, wo şefkat ko barkara rakha jai, or inke saath jo mil jo hai, wo toot nahi sakta hai. तो कुछ ताजियत वगैरह हुई थी यहाँ पे एक दो जगह अपना फर्ज निभाया यहाँ आया ऐसी बात की इनके साथ बैठा बस यही पर्पस था जाने का सर अगर अगर हम कंडे हालांकि कंडे के डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो सर कितनी डेवलपमेंट हुई है हालांकि कंडे इस वक्त मुझे याद था है तो आप यही कह रहे हैं आपको तो पता है आप तो गवाह हैं कि सड़कों के एतबार से पीने के पानी के एतबार से बिजली के एतबार से मुझे बुरा लगता है कहना ये क्योंकि जो मैंने किया मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया लोगों का हक़ था फ़र्ज़ को जताना बुरा लगता है अब आप पूछ रहे हैं तो आपका आप ही के यहाँ बन रहा है रिसीविंग स्टेशन में जी सर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सड़कें बनी बाकी चीज़ें बनी गुलमर्ग से मिले आप नीचे मिले जितना मुमकिन हो सके कर लिए सर अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें हालांकि कंडी में जो हेल्थ सेक्टर है बिल्कुल पूरी तरह से मुतासर है सर यहाँ के अगर सुल्तानपुरा कंडी की बात करें तो वहाँ जो हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेंटर है सर उसमें एक सिरेंज भी नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए सप्लाई भी नहीं आ रही है लोग सवाल कर रहे हैं सर नो नो अभी मैं आप बता रहे हैं मैं अभी सीएमओ साहब को डायरेक्टर साहब को बोल दूँ जहाँ 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 चाहे कोई सब सेंटर है कोई सेंटर है कोई पीएचसी है उनमें बराबर जितनी भी जरूरियात है लोगों की पूरी होनी चाहिए मैं अभी बात करूंगा आपने बोल दिया बात कर लूंगा सर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हर एक सेंटर में या हेल्थ सेंटर में लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे सर तो कैसे वो एक अगर कोई पेशेंट आ जाता है कैसे उसको मैनेज करेंगे सर तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है लापरवाही बरती जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे नहीं मालूम डिपार्टमेंट को अगर ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अगर वहाँ पे इक्विपमेंट है तो उनको इक्विपमेंट को चलाने के लिए अपना भी साधन करना चाहिए फिर भी मैं बिजली वालों से बात करूंगा देखूंगा कि मैं सेमो साहब से बात करूंगा जो आप कह रहे हैं जो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका कलंत्रा का पीएचसी है तो वो हमने अपने टाइम में मेडिकल कॉलेज बारामूला के साथ उसको मुंसलिक किया था हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक दो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक टाउन का होता है और एक रूरल होता है रूरल में हमने कलंत्रा लगा दिया डिस्ट्रिक्ट बारामूला का तो अब वो डायरेक्ट उनके अंडर आता है वो इसका मकसद ये था कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाए और वहाँ पे जो ये ट्रेनिंग्स करते हैं लोग और बहुत 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 से डॉक्टर्स आ जाए वक्त वक्त ताकि लोगों को आराम मिल जाए मैं उसमें भी देख लूँगा उसका क्या चल रहा है मैं इसका पर्पज़ ही ये था कि जो कंडी इलाका है कि बजाय बारामूला के उनको अगर कलांतरा भी जाना पड़े तो नो प्रॉब्लम सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करें कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं बारामूला जाना पड़ता है यहाँ पर गवर्नमेंट बस सर्विस की डिमांड कर रहे हैं तो कई सालों से वो डिमांड कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही है सर बसें मेरे ख्याल से इनकी बस थी भी नहीं शायद आप कुछ कर रहे हैं जो SRTC का आपका निज़ाम है ये काफ़ी देर से अब ये कटा हुआ है लेकिन हाल ही में मैंने देखा कुछ बसें मंगवाई गई हैं तो मैं इस पर भी बात करूंगा कि इधर भी एक बस लगा दूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम ओके ओके बच्चा अस्सलाम वालेकुम हाँ जी हाँ जी हम से बैठे हैं Thank you.